खाने की तलाश में आगे चलने लगा। तभी उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर वो इधर उधर देखता है। ये आवाज कैसी? लगता है खाने का इंतजाम हो गया। खाना कहीं आसपास ही है। वाह, क्या सुगंध है! सुगंध इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। सोनी लोमड़ी सुगंध का पीछा करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिसमें कालू कौवा अपनी चोच में चीज का टुकड़ा पकड़ के बैठा था। इस कौवे के साथ चीज खाने का तो मजा ही कुछ और होगा। सोनी लोमड़ी चुपके से पेड़ के पीछे जाता है और जोर से जंप मार के पीछे से कालू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालू तक पहुंच नहीं पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। चीज को पाने की सोनी लोमड़ी की कोशिश काम नहीं आई, क्योंकि कालू कौवा बहुत ऊपर बैठा था।